आज जो दृश्य यहाँ आपने देखा, ये
इतिहास कहता है भगवान कोई पहचान नहीं थी, पर भगवान की पहचान भगवान के कारण है। जो अच्छा करता है वही हम देवता समझते हैं। तो आज हम सखियों के बीच में जो नृत्य देखा भगवान ऐसे थे जैसे हम आप, सिर्फ अंतर यह था कि उनके कर्म जब देखे गए तो पता चला कि ऐसा एहसास हुआ कि ईश्वर। तो आज वो सखियां बैठी हैं इनमें भगवान कन्हैया की कृपा से साक्षात राधा रानी का विराजमान हुआ। तो ये राधा सब भाव से राधा बनी और भगवान कन्हैया को अपने बीच में नृत्य कराया। ये दृश्य देख करके मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वृंदावन में रहस्य लीला दिख रहा था। मुझे बड़ी खुशी हुई, लिख दिया है कवि ने कि न राजा बच्चा है न रानी बची है, न तेरी न मेरी ये जवानी बची है, न बच्चा है यहाँ कोई मुझसे, बच गई तो सिर्फ एक कहानी बची। ये कहानी आपके बीच में याद रहेगी, हम रहे या ना रहे, आप रहे या ना रहे, लेकिन ये याद है हमारी जरूरत के बीच में। इसलिए हमें काम कुछ जीवन के लिए, अपने पुत्रों के लिए, अपने परिवार के लिए सब कुछ याद रखना जीता है। कभी कभी ईश्वर के लिए भी जीना चाहिए जिसका ये सब कुछ दिया हुआ हमारे पास। और आज दूध जैसा पावन त्योहार है, माताएं उनके भाई बहनों के भाई सब ये भी सोच रहे होंगे 11 महीने वाले हैं, बात क्या है, हम आपकी शक्ति इच्छा अनुसार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आपकी अब इच्छा होगी इस कार्यक्रम को अपन को आगे लेके चलना है। आपने बहुत अमूल समय दिया हम लोगों के बीच में, हमारा जीवन जीवन बोलिए सत्यवाद है 11 बजने वाले और आज भाई दूज का समय है। आज जैसा आपकी इच्छा हो इच्छा हो, इतने संकट में विराजमान है लेकिन इसलिए है कि जब हमने एक महीना भगवान कन्हैया के चरणों में समर्पित कर दूँ तो कुछ आपने आज का अमूल समय जो दिया है, इसलिए आप लोग बताएं इस कार्यक्रम को एक बार एक आध गीत के बाद समापन किया जाए कि रखा जाए, बताएं किया जाए। बहुत अच्छा, सब कोई नहीं कह पाता लेकिन भावनाएं पढ़ने चाहिए। जैसे कभी ने इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत आज इंसानियत है, हम मानव है, हमारे पास इंसानियत है, हमारा परम धर्म है। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, हैवानियत शहर को शमशान बना देती है संकल्प में इतनी ताकत विनोदी। हमने एक संकल्प लिया कि आज हम राधा कृष्ण पक्ष का यहाँ सम्मान करेंगे, तो है संकल्प में इतनी ताकत विनोदी, श्रद्धा ही पत्थर को भगवान बना देती है। ये हमारी आज श्रद्धा थी, कुछ नहीं है, मानव एक पत्थर के समान होता है, रिमोट परमात्मा है, वो जैसा नचाएगा वैसा हमको नचना पड़ेगा। इसलिए ये श्रद्धा थी, श्रद्धा में भाव यहाँ हमारे अंदर प्रकट हुए, हमने कृष्णा पक्ष लिया, आपने राधा पक्ष लिया। और ये का गीत के बाद हम आपका इतना पावन त्योहार है, हम बिल्कुल समय नहीं लगे, हमारी महिला कलाकार बहुत अच्छी विराजमान है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। ये कार्यक्रम तो समाप्त है, एक घंटा पहले हो जाता, आप आए, आपने अपना अमूल समय दिया, इस मंच को इतना सजाया कि आपको बहुत बहुत अभिनंदन बंद करता हूँ। हमारे भाई साहब भी हमारे साथ में आए, जब भी हमको मौका लगेगा हम जरूर आपको अपने धाम याद करेंगे और बुलाएंगे आपको। बहुत अच्छे लगे आपके गीत सुन करके। बस लास्ट हमारा तो गीत लास्ट है, ये कन्हैया सुनाएगा, इस गीत को हम समापन की तरफ ले जाएंगे। और हमको किसी ऐसी जगह जाना है, नहीं कह पाते हैं, इसलिए दही जो लिया जाएगा उस तरफ मुंह में ही मक्खन चटाया जाएगा। हम ऐसी जगह जाने हैं, यहाँ से जाना है, वहाँ हम अगर ऐसा जाएंगे तो हमको बड़ा संकोच पड़ेगा जाने में, इसलिए आपका समय दिया। ये राधा से हमारा और हमारी सदियों से निवेदन है कि जब दही का कार्यक्रम हो, दही हो ही है कि जब आपके कन्हैया के मन पहुँचा दो, किसी के सर में मारने से भय नहीं होता, ये तो भाग हो गई। तो भगवान कन्हैया जब सोचने लगे तो अपनी अपनी बात रखा करते थे, बताया करते थे, उन्हें देखो कुछ लहने मेरे तरफ से प्रेम पूर्वक है, उसको बड़ा जब हुआ था
भगवान कन्हैया ने कहा एक तरह से आके वाला देखे देखे। रे बोले आज गोपी ऐसे दीदी हमें एक ने चार चार घना दीदी छेलन में छमिया रे भई रन मन की धनिया रे बिल्कुल जैसा भी कोशिश करें इनकी पढ़ने की मजबूरियां बनती है ऐसे कभी ले भी लेते हैं पहुंचे और सती की संख्या कम हुई है तो क्या कभी उनसे लड़े के देखो उनसे लड़े उनके सतियां कम पड़ गई सखा ज्यादा पड़ गए तो काऊ ने पकड़ कुमरिया सानी काऊ ने झटकी हा हा तैयार करे बोलैया हा हा तैयार करे बोलैया हसुआ पहुंच गिर गई अरे गिर गई झगड़ा क्या प्रेम को चाहे नाराज को तो जब बेदस्त तो बहुत बड़ा बेदस्त।